ऑफिसर मनोज झा। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये मॉडस ऑपरेंडाई क्या है जिसमें नफरत और घृणा के बयान देने वाले उन पर या तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, सांकेतिक होती है, लेकिन जो फैक्ट चेकर हैं उन पे कार्रवाई होती है। हाल के दिनों में हमने देखा है, इस मॉडस ऑपरेंडाई के बारे में माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय उपाध्यक्ष जी, पूरे कानून नियम बने हैं। जैसे अखबारों के ऊपर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात है तो वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्टेट्यूटरी उसकी स्टेटस है, वो खुद सो मोटो भी उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और अगर कोई शिकायत करता तब भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क जो है उसके रूल के अनुसार प्रोग्राम कोड जो है उसको लेकर करना होता है। इसलिए सर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनके जो रूल्स है कंटेंट को लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है। सर ये भी जानना जरूरी है कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरी तरह के अपराध। फैक्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे, ये भी करना बहुत आवश्यक है। और उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है तो कानून उसके लिए अपना काम करता है, जिसके ऊपर सर हमारा मंत्रालय सीधी कोई कार्रवाई नहीं करता। अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था को देखने में वहां कानून काम करता है। सर माननीय राकेश सिन्हा, मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ट्विटर और फेसबुक पर जो लोग भारत विरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं और भारत विरोधी दुष्प्रचार करने पर फेक अकाउंट्स बनाकर कर रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? ऐसे कुछ निहित स्वार्थी तत्व हैं जो भारत की छवि को, भारत की स्थिरता को समाप्त करना चाहते हैं और भारत पूरी दुनिया में ऐसा प्रचार तंत्र चल रहा है, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करने की व्यवस्था की जा रही है? सर माननीय सांसद जी ने बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल पूछा है कि आखिरकार ये जो इंटरनेट पर फेक न्यूज चलाई जाती है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, सर ये मिट्टी के जो रूल है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है सर, उसके सेक्शन 69A के अनुसार सर भारत की अखंडता और प्रभुता को ध्यान में रखते हुए और सर जो डिफेंस, जो भारत की रक्षा सुरक्षा की हम बात करते हैं उसको देखते हुए सर निर्णय समय समय पर किए जाते हैं। और हाल ही में 2021-22 में भी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सर कोई संकोच नहीं किया है ऐसे YouTube चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर ऐसे लगभग 69 हमने चैनल्स को, 94 YouTube चैनल्स को और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स को सर बंद करने का काम किया है और 747 URLs जो हैं, जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हैं, इनको बंद करने का काम भी सर जो देश के खिलाफ काम करते थे उसके खिलाफ करने का काम इस सरकार ने किया है। सर हमने कोई संकोच इसमें नहीं किया है। जो मित्र देशों के खिलाफ भी भारत के लिए खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा करते थे सर उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है, तो मोदी सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने की है। सर सर देश विरोधी ताकतों को जो ऐसा एजेंडा चलाती है सर, ये आवाज तो अब करते हैं, ये जो लोग यहाँ पर खड़े सर ये उनके खिलाफ आवाज नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन हमने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया है। क्योंकि इनमें से कुछ लोग वो भी हैं जो झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं सर, ये GST की मीटिंग में तो जाते हैं वहां पर आवाज नहीं उठाते, यहाँ पर तख्तियां लेकर खड़े होते हैं, ये पता चलता है सर इस पे क्या है। माननीय नीरज शेखर, आपका सवाल। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपसभापति जी, मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि ट्विटर और फेसबुक की बात कई बार होती है, लेकिन जो कुछ लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, जिनके व्यक्तित्व से असर, वक्तव्य से असर पड़ता है समाज पर, जैसा कि आप जानते हैं कोविड समय में कई लोग भ्रमित चीजें फैला रहे थे, अग्निवीर के बारे में भ्रमित चीजें फैला रहे हैं, इनके बारे में क्या कर रही है सरकार, मंत्रालय क्या कर रहा है, समाचार पत्र के में छप जाती है इनकी खबरें, उनके बारे में क्या हो रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। सर माननीय नीरज शेखर जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और बहुत गंभीर सवाल भी उठाया है सर कि आखिरकार ये कोई ऐसा व्यक्ति फेक न्यूज नहीं फैला रहा, ये वो लोगों की बात कर रहे हैं जो कभी चुने हुए प्रतिनिधि थे या है, कुछ लोग आज भी तख्तियां लेके खड़े होंगे, कुछ बाहर खड़े होंगे, कुछ अंदर खड़े होंगे। सर सवाल ये खड़ा होता है कि आपदा के समय
सर आपदा के समय कुछ लोग वैक्सीन को लेकर प्रचार करते थे, लेकिन सर देश के लोगों ने 200 करोड़ में माननीय मंत्री जी ब्रीफली उत्तर दे। माननीय उपाध्यक्ष जी 200 करोड़ वैक्सीन देश के लोगों ने लगाने का काम किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो लोग वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाते थे, कुछ लोग सर आज जीएसटी को लेकर दुष्प्रचार करते हैं, लेकिन वहां पर मीटिंग में इनके लोग वहां पे कुछ नहीं बोले सर, ये सर ऐसी खबरें। दूसरा सर अग्निवीर बोले सर देश में अंधेरी करवाने का काम कुछ लोगों ने करवाया, लेकिन सच्चाई है सर लाखों युवाओं ने प्रतिवेदन किया है सर, लेकिन सर मैं अखबार माननीय मंत्री जी ब्रीफली उत्तर दे कि सच्चाई देश के सामने आए। और सर हम प्रयास करते हैं कि अखबार हो किसी चैनल हो या ऑनलाइन चैनल हो सर, वो सच देश के सामने लाए, कानून के अनुसार हमें जो करना है सर हमको माननीय मंत्री जी। लेकिन सर हम सबका प्रयास ये रहेगा कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो झूठ का प्रोपेगेंडा ना करे, और अखबार के पत्र भी उनको या टीवी चैनल भी उनको उस तरह से प्राथमिकता ना दे, सच देश के सामने जाए, ऐसी हमारी प्राथमिकता सदा रहेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। नाम रह गया हो तो सब दे दिया जाएगा। हमारे सूची में देश में युवाओं के ऊपर बेरोजगारी को लेकर के गहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है युवाओं को। इसी कड़ी में करीब 12,000 नौकरियां स्टार्टअप की दुनिया में जो है खत्म कर दी गई हैं, जिसमें ओला, ब्लिंकेट, बाइजू, अनअकैडमी, वेदांतु, कार 24, मोबाइल प्रीमियम लीग, लीडो लर्निंग, एम फाइनेंस, ट्रेल, फार आईवे, फोरलोंको और आदि कंपनियों ने हजारों लोगों को निकालने का काम किया है, जिसकी वजह से आगे ये भी माना जा रहा है कि इन्हीं स्टार्टअप सेक्टर्स में करीब 50,000 नौकरियों को खत्म कर दिया जाएगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो हमारे जो ये कानून बने हैं लेबर और नौजवानों को, युवाओं को नौकरी देने के लिए, उसके अंदर जो एक रिस्ट्रक्चरिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट का क्लॉज डाला गया है, इसको ये कंपनियां पूरी तरह से रामबाण की तरह इस्तेमाल कर रही है अपने बिजनेसेस में। सर मैं खत्म कर रहा हूं, वो इसका बहाना लेकर के लोगों को निकालने का काम कर रही है, जिसकी वजह से युवाओं का फ्यूचर पूरी की पूरी तरह से अंधकार में आ गया है और हजारों और लाखों लोगों का परिवार अंधकार में चला गया है। साहब मैं आपके माध्यम से माननीय लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर से यह निवेदन करता हूं कि वो इस मैटर को गंभीरता से देखने का काम करें। जहां हमारे देश में नए नए यूनिकॉर्न्स बनने का काम कर रहे हैं और नौजवानों को कहा जाता है कि आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को और इंप्रूव करिए ताकि आपको नौकरियां मिल सके, वहां पे इनको, सर मैं बस खत्म कर रहा हूं, वहां पे इन नौजवानों को हमें सुरक्षा देने की जरूरत है, उनको आपकी सुरक्षा की जरूरत है, और उसके लिए आप लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर को ये डायरेक्ट कीजिए कि इस मामले की गंभीरता में जाएं और इन नौजवानों को एक सुरक्षा कवच देने का काम करें ताकि उनकी नौकरियां बची रहे। श्री सुभाष बहेड़िया जी।